अहद की जानिब से जा रहे हैं किसी और हाजिरी पर, किसी और ज़ियारत पर। खजूर के दरख्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मदीने की खजूरों की तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुजाजे कराम सब के सब एक मर्तबा अपने उल्टे हाथ पे जो है ना मोहब्बत की निगाह से देख ले और सीधा हाथ खड़ा करके सलाम पेश कर लीजिए, फिर आना नसीब होता है नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना, अमीर हमजा। अमीर हमजा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना, या सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहश। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना, या हंजला। अस्सलामु अलैकुम या मसआ बिन उमर। अस्सलामु अलैकुम या शहदा। अस्सलामु अलैकुम या अहद। जब आप आंखों में नमी लेकर आते हैं और इन मुकद्दस मकामात को देखते हैं तो हुजाजे कराम उन नमी की वजह से अल्लाह ताला आंखों के अंदर आंसू लेकर आता है और हुजाजे कराम सिर्फ एक आंसू बहाए अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। ये वो मकाम है हुजाजे कराम। जब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब इनका जिक्र आता है तो हमारे दिल के अंदर एक अरमान सा उभरता है और अब हमारी गाड़ी जिस तरफ जा रही है वो है वादी उस्मान और हुजाजे कराम तबर्रुक के तौर पर एक दो खजूरें खाएंगे। किसी भाई बहन को खजूरों का रेट पसंद आ जाए, खजूरें पसंद आ जाए तो आप ले भी सकते हैं। और हुजाजे कराम अजवा खजूर तीन या चार दाने ये नहीं है, सात दाने जो बंदा सुबह उठकर निहार मुखा ले उस बंदे के ऊपर न जहर का असर होता है न जादू का असर होता है। दूसरी खजूर है बरनी मदीना और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस खजूर को बन बरकत की नियत से लेकर जाता है उस घर में कभी रिजक तंग नहीं होता और उस घर में कभी फाका नहीं आता। बात शर्त यह है कि 20 दाने 10 दाने 50 दाने घर में होना लाजमी है। और हुजाजे कराम तीसरी खजूर है अंबर, जिस खजूर से आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाश्ता फरमाया। जब हम इस खजूर को खाते हैं, जब इसका लुत्फ उठाते हैं तो हुजाजे कराम ये खजूर हमें शहद जैसा जायका अता करती है। और हुजाजे कराम ये खजूर उंगली से भी ज्यादा बड़ी खजूर है, उंगली से भी ज्यादा मोटी खजूर है। और हुजाजे कराम मैं अर्ज कर रहा था कि पीर उस्मान वादी उस्मान की तरफ ये गाड़ी जा रही है और हुजाजे कराम तबर्रुक के तौर पर एक दो खजूरें खाएंगे और बरकत की नियत से खरीदो फरोख्त भी कर लेंगे। तो हुजाजे कराम आप पूरा मदीना मार्केट घूमते हैं और आप वहाँ पर शॉपिंग भी करते हैं। तो हुजाजे कराम बात सरासर ये है कि कार्टन में पैक करके देंगे और जिन्होंने खजूरें लेनी हो ले सकते हैं, जिन्होंने ना लेनी हो वो भी खा पी के 20 मिनट में घूम फिर के वापस आ जाए। मकसद ये है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर आज भी दो इमारतें मौजूद हैं, उनके नाम पर आज भी दो इमारतें मौजूद हैं जो सखावत के बेताज बादशाह है और हुजाजे करम जिनके नाम पर आज भी सखावत चल रही है। और हुजाजे करम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुआं वक्फ किया था और उन्होंने कुआं खरीदा कैसे था और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान से फरमाने लगे ए उस्मान ये मुसलमानों के लिए कुआं खरीदना है और वक्फ करना है। तो हुजाजे कराम जो साहिब कुआं था उस दौर के अंदर वो काफिर था और हुजाजे कराम वो कुएं का पानी बेचा करता। तो हजरत उस्मान गनी जब उनके पास तशरीफ लेकर गए और उनसे पूछा कि आप कुआं बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना चाहते तो हुजाजे कराम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अनु को उसने मना फरमा दिया कि आप जो है ना ये मैं कुआं नहीं बेचना चाहता। तो किसी भी तरीके से उसने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अनु को कुआं बेचा, वो कैसे बेचा
आधा कुआं उसके पास हुआ करता, आधा कुआं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनु के पास हुआ करता। तो दाजे कराम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनु की जब पारी आती तो तमाम सहाबा इकराम पानी भी भर लिया करते, और उस दौर के अंदर जो काफिर थे वो भी पानी भर लिया करते। तो हुजाजे कराम इसी तरह जब दूसरे तीन दिन होते तो काफिर वाली बारी पे कोई भी शख्स पानी भरने के लिए न जाता, क्योंकि दूसरे तीन दिन का पानी जमा कर लिया करते, स्टोर कर लिया करते। तो इसी तरह 10 दिन 20 दिन या 50 दिन या 60 दिन देखा कि जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आती है तो सब के सब पानी भरने के लिए चले जाते हैं, जब उसकी बारी आती है तो कोई पानी भरने के लिए नहीं जाता। तो हुजाजे कराम इसी तरह तंग आकर दूसरा आधा कुआं भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मलकियत उन्होंने कर दिया, और जिस कीमत में पहला आधा कुआं खरीदा गया तो हुजाजे कराम दूसरा आधा कुआं भी उसी कीमत में ही खरीदा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो हुजाजे कराम यहाँ से एक हमें सबक हासिल होता है, वो कौन सा है कि जब हमें हमारे अड़ोस पड़ोस में बंदे को देखते हैं कि बंदा परेशान है, मजबूर है, तो हुजाजे कराम वो कई चीज बेच रहा है, तो हुजाजे कराम हम जैसे लोग उसकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं कि भाई जो चीज तेरी 90 रियाल की है और मैं आपसे 50 रियाल की ही लूंगा, 50 रियाल की यानी 50 रुपए की लूंगा, क्योंकि मजबूरी से वो बंदा मजबूर है। तो हुजाजे कराम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें सबक ये दिया है कि किसी की मजबूरी से फायदा मत उठाए, और जिसकी जो कीमत है पहले तो उसका साथ दे, और साथ नहीं दे सकते तो जिस कीमत की वो चीज है उसी कीमत से ही वो खरीदे। तो हुजाजे कराम ये सबक हजरत उस्मान गनी हमें देकर गए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ या बारी ताला हजरत उस्मान जैसे हमें सखावत नसीब फरमा, और अल्लाह ताला को ऊपर वाला हाथ पसंद है, नीचे वाला नहीं है, यानी के देने वाला हाथ पसंद है। और हुजाजे कराम इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाएगी, पीर उस्मान वादी उस्मान, और तबर्रुक के तौर पर आप एक दो खजूरें खाएंगे। इसके बाद हमारी गाड़ी जाएगी मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। और हुजाजे कराम मैं अर्ज कर रहा था कि आपने यहाँ से कुछ ना कुछ तबर्रुकात लेकर जाने हैं, अजवा खजूर का भी बताया है, पन्नी मदीना का भी बताया है, और अंबर का भी बताया है, ये तीन खजूरों की निस्बत आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और हुजाजे कराम मेरी गाड़ी में दो तबर्रुक रखे हुए हैं, एक का नाम है बिलसान और एक का नाम है अल असमत सुरमा। और हुजाजे कराम ये वो अल असमत सुरमा है यमन का, हजरत उवैस करनी के इलाके का, जब उनका जिक्र आता है तो हुजाजे कराम हमारे दिल के अंदर एक अरमान सा उभरता है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं कर सके। ये वो हजरत उवैस करनी है यमन के रहने वाले, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन से सुरमा मंगा कर अपनी आंख मुबारक में लगाते, और सहाबा इकराम से फरमाते कि ये सुरमा लगाया करें, इस सुरमे से आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों की पलकें गाढ़ी होती है और आंखों में खारिश है वो भी खत्म हो जाती है, इस सुरमे को यकीन के साथ लगाओ सफेद मोती भी है वो भी खत्म हो जाता है। ये वो अल असमत सुरमा है, काला सुरमा। और हुजाजे कराम जिन्होंने 10 साल या 15 साल पहले ये ज्यारत का काम शुरू किया, तो हुजाजे कराम ये वही मुफ्ती हजरात और उलमा इकराम हजरात बनाते हैं। और हुजाजे कराम ये फूल की पंखुड़ियों वाला सुरमा, अर्के गुलाब वाला सुरमा, और ये जो पैकिंग है आपको नीचे कहीं नहीं मिलेगी। तो वैसे भी आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो हुजाजे कराम मैं आपको बताता चलूं, आपने यही चीज आपने नीचे से भी लेनी है और सुरमा भी लेना है। और हुजाजे कराम ये मेरी गाड़ी में रखा हुआ है, 10 रियाल के तीन पीस है, और हुजाजे कराम इसका डिब्बा 40 रियाल का है। और हुजाजे कराम फूल की पनखुड़ियों वाला सुरमा इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, यमन का सुरमा है ये, और ये वो सुरमा है जो निस्बत रसूल है, किसके साथ है, निस्बत रसूल है। ये वो सुरमा है जो निस्बत रसूल है। और हुजाजे कराम ये 10 रियाल के तीन पीस है, और दूसरा जो जोड़ा बे औलाद है, जोड़ों के दर्द वाले हैं और शुगर वाले हैं और तम्मा फालिज लकवा पट्ठू की कमजोरी वाले हैं, और हुजाजे कराम मैदान बदर का जो तोहफा है, जो तबरुक है, जहाँ पर से हजरत सैयदना अमीर हमजा
और तमाम सहाबा इकराम ने अपने जख्मों के लिए इस्तेमाल किया। और हुजाजे कराम बिलेसान का दरख्त उसके अंदर से आज भी तेल निकलता है जो 1400 साल पहले निकाला गया और सहाबा इकराम ने अपने जख्मों के लिए लगाया। और हुजाजे कराम वो मकाम बदर नस्बत रसूल है। और हुजाजे कराम जब आबे शिफा कुएं पर पहुंचे तो सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, आका हमारे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाए। तो हुजाजे कराम पथरीली जमीन के अंदर पत्थरों के अंदर जो पौधा पाया जाता है, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि इसके पत्ते तोड़ो या टहनी तोड़ो, इसके अंदर से जो रस निकले अपने जख्म पर लगाए। तो हुजाजे कराम जो मार्ज कर रहा था कि सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वास्ता देकर आप दुआ मांगे बे औलाद वाले, तो हुजाजे कराम वो यही वजह है कि सहाबा इकराम ने अपने जिस्म के ऊपर जो रोगन लगाया, जो तेल लगाया जख्मों के लिए, वो रोगन बिलेसान है। और मैं इसका तो नहीं सुना मौलाना मक्की हिजाजी साहब मक्का में बैठकर आप तमाम हुजाजों का सवाल का जवाब देते हैं। एक भाई उनकी खिदमत में अर्ज करने लगे कि मेरे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाजे। तो हुजाजे कराम उन्होंने दुआ भी फरमाई और उन्होंने बिलेसान का भी उन्होंने फरमाया कि बिलेसान आप जो है ना खरीदे और इस्तेमाल करें। और हुजाजे कराम इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, जो जोड़ों के दर्द वाले हजरात हैं, तो हुजाजे कराम ये बिलेसान रोगन मेरी गाड़ी में मौजूद है। और उसके हुजाजे कराम क्योंकि सऊदी हजरात इसको बकरी के दूध में इस्तेमाल करते हैं, और हुजाजे कराम मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह बे औलाद के लिए भी तजर्बा हो चुका है, शुगर वाले हजरात लेकर जा चुके हैं उनके लिए भी तजर्बा हो चुका है, जो जोड़ों के दर्द वाले हजरात हैं तकरीबन यहाँ पर जो एक या दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा उम्रे के लिए आ चुके हैं, और हुजाजे कराम उनसे पूछे ये कितनी मुफीद चीज है और ये बहुत ही ताकतवर शय है। और हुजाजे कराम बे औलाद के लिए जोड़ों